सपनों जी आया ना, सब तो पहले थे। इस चीज़ की खुशी है कि 2 साल बाद सारिया में देखिए और इतनी खुशी हुई है देख के। कुछ चीज़ा होंदिया ने जिहड़ियां असी अखरां दे विच बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल आ रहे सां, हर साल सब नाल मुलाकात हो रही सी, ते फिर 2 साल विच बिल्कुल ही बंद हो गया सब कुछ। ते असी शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर इंद्रपाल जी दे, इंद्र मोहन जी दे, डॉक्टर हरिंदरपाल जी दे, कि इन्हां दी मदद नाल ही असी इत्थे पहुँच सके हैं। डॉक्टर साहब ने कहा सी कि गल करनी है नाम सिमरन ते, नाम एक इन्ना खलारवा और इन्ना वड्डा मौजू है कि वो जिन्नी भी कोशिश कर लीए वो इकट्ठा नहीं होता। और यही नाम दी तारीफ भी है और यही नाम दा गुण भी है कि असी जिन्नी बारी नाम नू पढ़ांगे, नाम नू बोलांगे, नाम नू विचारांगे, उन्नी बारी ये नवा हो के मिलेगा। और जिन्ना नवा हो के मिलेगा उन्ना अपने पढ़न वाले, अपने सिमरन वाले, अपने विचारन वाले नू नवा करेगा। ते जिहड़े वड्डे ने सारे उन्हें सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि असी यूनिवर्सिटी पढ़ाने हैं, सो स्टूडेंट्स नू ते पढ़ा लई दा, उन्होंने गलबात भी कर ली दी, उन्होंने रोक शोक भी पा ली दा। पर तुसी सारे जिहड़े कि इन्नी जिंदगी गुजार के और इन्ना तजर्बा लेके बैठे हो, तुहाडे सामने गल करना बहुत ही मुश्किल लगता है, इसलिए कागज में लिख के सामने रख लूँ। तो जिस तरह डॉक्टर साहब का है वे शुरू तो कि असी थोड़ी बहुत गल करने हैं, उसके बाद फिर असी सवाल जवाब में जोड़े वो करांगे। क्लॉक में नज़र नहीं आया, इसलिए टाइम अगर मैं कोई दस दौ तो फिर असी उसके मुताबिक चलिए। प्रोफेसर तो अनपता है, बोलना शुरू कर दें तो फिर चुप नहीं करते। नाम दा असी जिस तरह पिछे संगत विच भी गल कीती है, नाम दा थोड़ा जिन्ना सानू देखना पड़ेगा कि पहले साढ़े इत्थे जो असी एक दूसरे दे नाम लैने आ वो की है, जो असल नाम है उहदे तक पहुँचण लई सानू पहले जो साडे कोल हाजिर चीज़ है उहदी समझ होएगी, ते फिर जो हाजिर नहीं है, जो सानू दिस नहीं रहा, असी उहनू समझ सकने हैं। ते नाम दे बारे एक छोटी जिनी नज़म है, साढ़े उस्ताद ने नज़म हुसैन सैयद साहब जिन्हां दी संगत विच ही असी नाम नू पढ़िया और विचारिया है, ते उन्हां दी नज़म है नाम। पहलू मुंडा कुड़ी जो होना है हो ता लए, फिर नाम ही रख लो। पहलू मुंडा कुड़ी जो होना है वो हो ता लए, फिर नाम ही रख लियो। तुहानू बच्ची बच्चा चाहिए कि ना चाहिए, लड़ाई शुरू हो जाती है ना घर कि बच्चे का ना किन्ने रखना है, दादकिया ने रखना है कि नानकिया ने रखना है कि माँ ने रखना है या प्यो ने रखना है। सो पहलू मुंडा कुड़ी हो ता ले जो होना है, फिर नाम ही रख लियो। तुहानू बच्ची बच्चा चाहिए कि ना चाहिए, जम्मण वाला तुहाडे घर कोई सन नहीं लावण लगा,
जमण वाला तुहाडे घर कोई सन नहीं लावण लगा भई उहदे नां दी रपट लिखाणी पै जाए। नावां दा कोई ओड़क नहीं, नावां दा कोई ओड़क नहीं, कोई पिछले मुड़ मुड़ रखते ने, कोई कड़ कड़ नवे बनाते ने, कोई नवियां नू पिछलियां नाल रलाउंदे ने। तुसी भी अपना जो वाह लगा लाइयो, तुसी भी अपना जो वाह लगा लाइयो, पहलू वेखो रब की करता है। ए ओ ना है जिहड़ा असी इस दुनिया दे विच रखने हैं, इस ना दा इन्ना पुआड़ा है। मॉडर्न ना रखना है, पुराना रखना है, यूनिक रखना है, बिल्कुल वक्रा होवे। उस ना दे फिर मतलब ए ने, ए होने चाहिए सी। फिर कई बार बच्चे वड्डे होके कहंदे ने जी मेरा ये ना क्यों रखिया सी। जिस तरह साडा बेटा तो उहदा हमेशा ये सवाल होंदा कि तैनूं मेरे तो पूछ के ना रखना चाहिए सी। पूछे कि बई थोड़ा नाम रखिया है, सुमेल थोड़ा नाम है, तो की थानू नहीं पसंद? ने कहा नहीं ठीक है, हुण तू रख दिता है तो ठीक है, पर तैनू पूछना चाहिए सी मैं पहले। हुण ऐ देखो कि जो नाम की गल असी करनी है अज, उहदे लई पहले सानू इत्थे जरूरी है कि साढ़े अपने जिहड़े नाम ने असी इन्हां दे बारे विचार कर लें। पहले साडा नाम रखिया जाता है, फिर साढ़े नाम के नाल कुछ ऐसा लाया जाता है जिद नाल पता लगे कि साडा ताल्लुक किस खास खानदान के नाल है। कोई राजपूत ने, कोई जट ने, कोई अराई ने, कोई सैयद ने। सो कुछ ना कुछ ना दे नाल ऐसा लाया जाता है कि ना तो ही पता लग जाए कि उस बंदे दा पिछला हिस्सा है जिहड़ा वो है, उहदा हसब नसब, उहदा खानदान। फिर वो बच्चा वड्डा हुंदा है, पढ़दा है, ते फिर उहदे ना दे नाल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर ये लग जाता है। हुण उहदा ना विशकार है, ना दे पहले भी वादा हो रहा, ना दे अगे भी वादा हो रहा। वो जो हस्ती जिदा असी ना रखिया होया है, वो आप की है? हर चीज जिहड़ी असी बनाने हैं, असी उहदे उपर एक टैग लाने हैं कि एने बनाई है। टैग दे बगैर असी उन्हों मार्केट नहीं करते, कदी भी मार्केट नहीं करते, क्योंकि असी दसना है कि यह ब्रांड साड़ा है, यह असी बनाया। रब ने बंदे बनाए, इंसान बनाए, पक्षू बनाए, पशु बनाए, रुख बनाए, हर शय बना दी, अपने नाम दा उत्ते टैग नहीं लाया। टैग ना ला के उन्हें क्या हुण याद करो, यही पुआड़ा है। असी हर वेले अपना नाम सुनना चाहते हैं, हर वेले, और सानू किसी होर नाम तो बुलाया जाए तो असी जवाब ही नहीं देने। असी कहने किसी होर नूं बुला रहा और सानूं थोड़ी बुलाया, क्योंकि सानूं सिर्फ अपना नाम याद है। साडा वो नाम जिहड़ा इस विहार विच मौजूद है, उहदे चों निकलण लई सानूं लोड़ है नाम दी। यह बुनियादी चीज। हुण नाम की है? वो कोई एक नाम नहीं है,
रब, रहीम, राम, गुरु, ये कोई नाम नहीं है, ये एवें पछाण लई है। और फिर असी इनू सिमरने आ, सिमरना है याद करना, चितारना, बार बार दोहराना, बार बार उनू असी तस्बीह ते पढ़ने आ, माला ते जपने आ। पर किन्नी किन्नी सोचण वाली गल है कि नाम सिमरन क्यों किया गया, क्योंकि पता से कि हर वेले इन्हें भुल जाना, उन्हें ही याद किया जाता ना जो भुल जाए, जो याद होवे, जो हर वेले नाल होवे, उन्हें तो याद करन दी लोड़ नहीं है। याद करन दे पहले भुलना जरूरी है। तो की इहदा मतलब है कि असी हर साह दे नाल, हर पल, हर घड़ी दे नाल उस सिरजनहार नूं भुलने आ पे। और क्योंकि जो कोई शय बनांदा है उन्हूं पता होंदा है कि इहदे विच नुक्स केड़े केड़े ने, और फिर ये भी पता होंदा है कि यह नुक्स होया तो इहनूं इंज ठीक करना है, यह होया तो इहनूं इंज ठीक करना है। सो रब ने जो इंसान बनाया, जो हस्ती बनाई, उन्हूं पता सी कि इन्हें जा के अपने नामां दे पिछे पै जाना, इनू मेरा तो नाम याद ही नहीं रहना, वो ही होया। हूँ वह कहिंदा नाम सिमरो, हूँ असी नाम सिमरन नू कह लैने आ, हाँ असी ना बस तस्बी पढ़ांगे, या अल्लाह, या रहमान, वाहेगुरु, कुछ ना कुछ तस्बी तो फेरते रहेंगे, तो यदा मतलब ही असी सिमर रहे हैं उन्हों। बई इस सिमरन का उन्हों की फायदा? हुण असी कवीए कि असी दो साल घर बैठे सा, असी तुहानू सबनू याद कर रहे सा। अच्छा तो ठीक है, तुसी कहो हाँ जी असी तुहानू याद कर रहे सा, ठीक है। पर उस याद की अमली शकल की है कि अगर मौका बनता है और असी वाकई याद कर रहे सा तो फिर असी मिलिए। जदों असी याद कर रहे सा तो असी उस याद का कुछ ना कुछ अमली शकल तो बनावांगे ना, फिर असी यह लिख पढ़ रहे सा, और असी यह लिखते हैं पढ़ते हैं यही सोचते सा, हाँ जदों जावांगे फिर सारियां नाल बह के यह वालियां गल्लां करांगे, यह साड़ी याद सी। फिर इत्थे आन का सबब बन गया, आ गए। हुण अगर तुसी सारे कहो कि हाँ असी याद तो करते सां पर साढ़े कोल वेल नहीं है कि असी हुण आवीए और आके तुहानूं मिलीए, तो फिर की ये याद होएगी? यही असी अपने रब नाल करने, असी मालिक नूं सिर्फ तस्बीह उत्ते, माला उत्ते जपने हैं, सिमरन असी सिर्फ जुबान नाल करने, दिल नाल नहीं। उन्हूं साडे नाल प्यार है, उन साडे नाल मुहब्बत है, उन्हें साडे लई सब कुछ बनाया, तो इहदा मतलब है उन्हूं साडे नाल प्यार है, सानू उहदे नाल प्यार है। असी उन्हूं याद कर रहे हाँ, असी उन्हूं सिमर रहे हाँ, तो असी की कर रहे हैं? असी तो सब विहारी काम कर रहे हैं। उन्हूं राजी करन लई और उस नूं समझण लई असी उहदी बड़ाई कायनात नूं ते वेख ही नहीं रहे, असी अपनी एक पूरी हस्ती नूं ही नहीं वेख रहे, तो उन्हूं कित्थे वेखना। साडे इस्लाम विच भी कुरान कहिंदा है कि जिस वक्त रब ने मिट्टी तों आदम दा बुत बनाया ते फरिश्तियां नूं कहा कि इहनूं सजदा करो, ते फरिश्तियां ने कहा कि इस मिट्टी नूं असीं सजदा करना है, ते रब ने कहा नहीं, मैं इहनूं नाम सिखाए मैं, ते फिर आदम नूं कहा कि बोल, आदम ने बोल के शैवां दे नां दस्से,
ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਮ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਬਹ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰਜਾ ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਿਹਲ ਹੈ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਬਾਲ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੁੰਨ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰੀਆਂ ਨਾਓ ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾ ਮੁੱਖ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਰੀਆਂ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆ ਅੱਗੇ ਠੋਰ ਨਾ ਠਾਉ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ
ना नू भुल के ना तू बार हो के मुख डरावना है। क्यों डरावना है? बाल जमदा है जदों ते की कदी किसे नू डरावना लगता है? असी वड्डियां हो के पुछने हां कि ए मुंडा है या कुड़ी है, एदा नां की है, एदा धर्म की है, एदा मेल केड़ा है, पर जदों वो बाल होंदा है ना ते राह जांदियां भी कोई दिसे ते असी खलो के उहनू प्यार नाल वेखते जरूर हां, क्योंकि उदों तक उहने नाम विसारिया नहीं होंदा। हौली हौली असी वड्डे होना शुरू हो जांदे हां। ओही बाल जिन्हों सारे वेख के सुख मानते सन, खुश होते सन, वेखदियाँ ही चेहरा खिल जाता है बाल में। बंदा गुस्से तो गुस्से में होवे, थके तो थके आ होवे, जदों वो बाल नू वेखदा ना तो वह हस पैंदा। पर ओही बाल जदों विहार दे विच आ गया, पढ़ लिख के है, डिग्रियां ले लिया ने, नाम बना लिया, नावा जोड़ लिया, तो हौली हौली उहदा जाहर रूप भी बदलन लग पैंदा। फिर उहनू मिल के वह खुशी क्यों नहीं होंदी जिहड़ी उहदे बाल जोड़ नू मिल के होंदी सी? हुण की हो गया? हुण की बदलिया? क्योंकि हुण उन्हें नाऊ विसार दिता। नाऊ विसार की उन्हें की किया? उन्हें ऐस विहार दे विच अपने जीवन नू पक्का समझ लिया, और इहदे विच उन्हें उस पक्याई दे उत्ते पक्के मकान छतने शुरू कर दिते, पक्का जीवन बनाना शुरू कर दिता कि मैं ते जाना ही नहीं। अद्धा जीवन बनाण ते लाया ते जो अद्धा रह गया वह विखाण ते लाया, क्योंकि जदों जोड़िया है ते फिर विखाणा भी ते है। उस जोड़े दा की फायदा जे किसी ने कुछ वेखिया ही ना? ते फिर नतीजा की निकलता है कि वो अंदर जो मैं बनती है वो साढ़े अंदर वरानी करती है, साड़ी अंदर अकलापा बनाउंदी है। ते जदों अंदर विजोग होंदा है ना ते उस मुख दे उत्ते रूप नहीं रहता, मुख ते भी ओपर आ जाती है। डरावना मुख है जिहड़ा वो ओपरा है। असी अपणियां नूं वेख के ते नहीं डरते ना, किसी ओपरे नूं वेखने आ ते असी कहने आ पता नहीं है कौन है, पर ओपरा क्यों है कोई? क्योंकि असी नाम तो बाहर हो गए हाँ। जे असी नाम दे विच जी रहे हाँ तो फिर तो सारे अपने ने, ना पता होवे किसे दा इस विहार विच की ना है, कोई फर्क नहीं पैंदा। और वो जिहड़ा अकलापा साढ़े अंदर बनता है, वो जो विजोग साढ़े अंदर बनता है, वो साढ़े अंदर रोग बन जाता है, और उन्होंने रोगों को फिर असी वक्खो वक्ख बीमारियों का नाँ दें। कभी ब्लड प्रैशर हाई हो जाता है, कभी शूगर का मसला बनता है, कभी डिप्रैशन बन जाता है, और हौली हौली हस्ती अंदरों अंदर भुरती है, बाहरों ठीक दिसती है। इक्को बारी कुछ होता है सब मिट्टी, पर मिट्टी अपनी पछाण क्यों भुलती है? क्योंकि मिट्टी अपने आप नूं मिट्टी समझना छड़ देती है। नाओ विसारन मिट्टी नूं ओपरा करन है, ते नाओ सिमरन मिट्टी नूं अपना करन है। मिट्टी तों वड्डी कोई चीज़ नहीं है। जो जिउंदियां साढ़े पैरां दे हेठ होंदी है, ते मोया भी साढ़ों
अपने आप लुका लेंदी है। जे मिट्टी सानू अपने अंदर ना लुकावे ते घरां विच ते असी फिर रह नहीं सकते, ते बाहर की हशर होए साडा, किवें सानू जनौर और पक्खू खाणगे। वो मिट्टी है जो अजेही सेवा करती है, साढ़े हंडे वरते वजूद नू अपने विच समो के अपने नाल एक मिक करके फिर कुछ नवा बना के ते बार जीवन दे विच ले आउंदी है। क्योंकि मिट्टी नाम सिमरती है, नाम चितारती है, नाम सिमरन नाम चितारन हर वेले आर करन है, जीप नाल नहीं कर पैरां दे नाल, सोच दे नाल, एहसास दे नाल। खाली नाम सिमरन दा असी दिन तो रात कर लीए, रात तो दिन कर लीए, कुछ नहीं बनेगा। पर नाम सिमरन दी दूजी शकल सेवा है। जे असी वो करने हैं ते आप भी राजी रहने हैं, ते जिदी सेवा कर रहे हैं वो भी राजी रहता है, ते जिदा नाम सिमर रहे हैं वो भी राजी रहता है। पर असी सेवा करना नहीं चाहते, असी सेवा करवाना चाहते हैं। ते फरीद कहता है कि तिन्हा मुख डरावने जिन्हा वसारियन नाम। अगर असी नाम विसार लियांगे, जे असी अपने उस सांझे जीवन चों अपनी उस सांझी सोच अपनी सांझी पछाण दे विचों बाहर आ जावांगे, ते इकल्लियां ते असी कुछ भी नहीं हैं। नाम सानू जोड़दा है, सानू मिलाउंदा है, सानू इकट्ठा करता है, सानू यह एहसास नहीं होण देंदा कि असी कल्ले कल्ले हैं। असी सारे इत्थे बैठे हाँ, अपने घरां विच असी सारे कल्ले कल्ले हाँ, पर इत्थे बह के असी सारे इकट्ठे नहीं हो गए। ये है नाम सिमरन, कि असी अपनी वक्री वक्री हस्ती छड़ दित्ती, असी एक सांझे घर विच आए। यह सांझा घर है ना सब का, एदी ओनरशिप नहीं है किसी को। ये जिदा घर है इत्थे वो आप ही सेवादार भी है, जी आया नू भी वो आप आखता है। इत्थे आ के असी एक दूजे उत्ते भार नहीं होंदे, लेकिन यह जो असी छटपल की प्रैक्टिस करने हैं, ये असी बाकी जीवन विच क्यों नहीं करते, सवाल है। क्योंकि असी चार दिन खा के चार सौ के लंघाने में, ते लेखा हर साह दा देना है। ये थोड़ी होना है कि हाँ जी एने इन्ना टाइम ते असी वर्किंग आवर सन, इन्ना टाइम सौण दा सी, ते फिर इन्ना वेला ही बचिया सी तेनू चितारन ते सिमरन दा। ते जरा सोचो जी वो सानू कवे कि हाँ मेरे कोल भी इन्नी ही वेल है, फिर साडा की बनना। सानू बिना मंगे जिहड़ा साह वो दे रहा है, उस साह की कदर कीमत सानू पिछले दो सालों च पता लगी है, पैसों नाल भी नहीं लगता। नाम सिमरन है रुखां दा जिहड़े सानू साह देंदे ने पए, बगैर रौला पाए कोई आवाज नहीं, हर एक नू साह दे रहे ने और ए नहीं कह रहे इनू दे रहे कि इनू नहीं देना। हर एक नू सावां नाम सिमर दीए वाह, सावी झुल दीए पे सब लई बराबर। नाम सिमर दा ए सिज चढ़दा है सारे ले।
इको जिया फसलां उगाउंदा है। नाम सिमरदी ये मिट्टी, नाम सिमरदा ये आकाश। बस एक बंदा नाम नहीं सिमरदा, जिदे लई नाम सिमरन बनाया, ए सारे ते ओ काम कर रहे ने जो काम इन्हां नू मालक ने दे दिता। उन्होंने कहा ठीक है, हुण ओ करी जा रहे। बंदे दे विच की वादा है, मनुख दे विच मनुख नू किया कि तेनू इल्म दे दिता है, ते नाल तेनू आजादी दे दिती है, तेरा जो दिल करे तो कर। ए इम्तहान है। सो बंदे ने की कीता, बंदे ने अपना नाम सिमरना शुरू कर दिता, उन्हें अपना नाम जपना शुरू कर दिता, अपने नाम दे इश्तहार लाने, अपने नाम की वडियाई, अपने नाम की चर्चा। जिन्नी अपने वखरे नाम की चर्चा की जाती है, ओना ही अपना आप कला होता है। जिन्ना अपना नाम प्रचारिया जाता है, ओना अपना अकलापा वधता है, ओनी अपनी होंद विजोगी जाती है। उस विजोग दे विच नाम हो ही नहीं सकता, नाम तो फत्तर है। ते सोके दे विच वत्तर की करे, जदों सोका चाहे ही ना कि अपने विचों कोई उगास करनी है, कुछ बनाना है, कुछ सेवा करनी है। भगत कबीर का एक शब्द है, कबीर लूटना है ता लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताहो के प्राण जाएंगे छूट। लुट मारी करनी है ना, ते लुट मार धन माल दी खादी, धन खाना है, खाना ते ओ वे जिन्नी ढिड विच लोड़ है भुख है। धन माल दी भुख जिन्नी पूरी करी दी है उन्नी वधदी है, वो घटदी नहीं। फिर उहदे लई बंदा लुट मार करता, ते लुट मार उदों ही होंदी है जदों साडे लई दूजे ओपरे होंदे ने, ते अपना आप अपना होंदा है। अपने आप नूं भी कदी किसे ने लुटिया है? देखिया है कदी कि असीं अपनी चोरी कीती होवे, अपने आप कोलों कुछ लुटिया होवे? अपने आप तो लुटना है ते ऐ वे कबीर लूटना है तो लूट ले, नाओ नू लुट तेरी पूरी हस्ती ना होए। अपने आप नू लुटन की कोशिश कर, जोड़ने ते अपने आप चो कढ़ के अपने अंदर जोड़न की कोशिश कर। दूजे नू लुट के अपने कोल जोड़ेगा धन, ते तेरे को नू लुट के कोई होर लै जाएगा। और यही सानू समझ नहीं आती कि कदी इंज होया कि महीने दे महीने जड़े पैसे साडे कोल आते ने, जड़ी तनखाह साडे कोल आती है, वो अगले महीने भी पई रवे। चलो शायद असी बचत कर लीए, पई रवेगी अगले साल, दो साल, तीन साल। धन तो जिवें आंदा उवें जांदा भी है, आ रहा है और जा रहा है, इधरों आ रहा उधर जा रहा। पर नाम नू अगर तू लुटना है, तो नाम नू तू लुट के अपने कोल जोड़ना है, तो इन्हें किधरे नहीं जाना। इनू तेरे कोलों कोई लुट नहीं सकता, क्योंकि नाम इलम है, नाम समझ और सियाण है, नाम सुरत है। ते सुरत और ज्ञान ते कोई नहीं लुट सकता। फिर एक असी होर शब्द देख सकने हैं, सासत सिमरत सोत देखो कोई,
विणनावे कोई मुकत ना होए। सासत जिहड़ा वो शास्त्र किताब है जिहदे च असूल ने कायदे कानून ने, सिमरत जिहड़ी वो भी कानून की किताब है जिहड़ियां रीतल कानून बने हुए ने, कायदे बने हुए ने, इन्हां नूं सोधो। सोधना है ध्यान करना, उन्हूं विचारना, उन्हूं एडिट करना, ठीक करके पढ़न की कोशिश करना। इन्हां नूं जरा सिमर के वेखो, पढ़ के वेखो, सोध के वेखो। विण नावे मुक्ति है कि उहदे विच लिखिया है कि तुसीं ए सारे कायदे कानूनां ते अमल कर लोगे ते तुहाडी मुक्ति है। कायदे कानून तो सिर्फ इसलिए बने ने कि असी इंसान हाँ, असी सारे कट्ठे जीव रहे हाँ, असी थोड़ा जिन्ना एक असूल बना लीए कि अच्छा इन्नी देर गल कर लाँगे, इन्नी देर सवाल जवाब कर लाँगे, इन्नी देर चाह पानी पी लाँगे। यह कायदे कानून ने, पर ते ने सिर्फ लोड़ दे मुताबिक ना, ये जिहड़ा उहदी लोड़ ते हर साह दे नाल है। जो दम गाफल सो दम काफर, जेड़े साह दे नाल मालिक नू याद नहीं कीता, जेड़े साह दे नाल रब नू चितारिया नहीं, वो काफर। और कुफर की है दुई है, दुई दा जीवन जीवन नहीं है, नाम इकाई दा जीवन है। हुण असीं कहने हाँ कि असीं नाम सिमरने आ, नाम चितारने आ, नाम लैने आ, पर जीवन दे विच असीं दुई विच जीव रहे हाँ। वह दुई साढ़े तन और मन की भी है, वह साढ़े वेखन और सुनन की भी है, वह साढ़े आखण और करन की भी है। पूरा जीवन साढ़ा दुई विच है। असी सोचते होर हाँ, करते होर हाँ, सुनते होर हाँ, वेखते होर हाँ। साढ़े पांच हवास ने जेड़े, इन्हां दे विच ही इकाई नहीं है, तो असी नाम किवें चितार सकते हैं। पूरी हस्ती दी हाजरी, पूरी होंद दा पूरे तौर दे उत्ते हाजिर होना ही नाम जपण है। और फिर नाम जपण सिर्फ जुबान नाल नहीं, करनी दे नाल, सेवा दे नाल। और उस सेवा दे बगैर गल नहीं बनती। खाली नाम जपण जिहड़ा उह ना सानू कुछ देंदा है, ते ना ही जिन्हां दे नाल असीं जीव रहे हां उन्हां नूं कुछ दे रहे हां। नाम जपण दान करन है, देवण है। बाबा नानक का शब्द है, दीवा मेरा एक नाम। और नाम दीवा बन गया। असी नाम नू सिर्फ फिक्स कीता होया ना, माला ते जपण लई या तस्बीह ते पढ़न लई या जुबान दे नाल दोहरावण लई। पर गुरु नानक कह रहे ने कि दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। ऐथे नाम रोशनी नहीं बन गया, लाइट नहीं हो गया नाम। क्यों असी उन्हों इको फिक्स कर देने आ? क्योंकि सानू इस विहार ने समझाया है, साड़ी ट्रेनिंग कीती है, सानू इन्हें बंद कीता होया। बंद हो के असी खुली सोच किवें रख सकते हैं? इसलिए असी लफ्जां दे विच फस जाने हैं और उस लफ्ज़ नूं असी खिलार के वेखन की कोशिश ही नहीं करते कि इहदा कोई होर मतलब भी हो सकता। हुण इह असी नहीं कह रहे, शब्द कह रहे हैं, दीवा मेरा एक नाम।
फरीद दा दौड़ा है या भगत कबीर दा शब्द है या गुरु नानक दा है, असी नहीं बनाया। असी नाम दी कोई गल अपने कोलू नहीं कर रहे। जो इन्ना दसिया वो ही असी सारे बह के विचारन की कोशिश कर रहे हैं। नाम जदू दीवे दी शक्ल ले लैंदा ते दीवे दा काम की है, चानण करना, हनेर नू मुकाउणा। इलम की करता? इलम सानू बेसुरती चों कढ के सुरत देंदा, सानू जहालत दे हनेरे चों कढ के चानण दे विच लेके आउंदा, जिथे असी सब वेख सकीए, समझ सकीए, परख सकीए, जान सकीए और फिर उन्हों अपना सकीए। नाम दा दीवा की कर रहे है कि नाम कुल शैवा दी, कुल जूना दी, कुल जहाना दी, कुल दी सांच पछाणे नाम। ओ बन गया इकाई, उस इकाई दा दीवा बालिया है गुरु नानक ने, ते उहदे विच पाया की है, दुख दा तेल। दुख है साडे सब कोल है। असी जिन्ने इत्थे बैठे हाँ या जिन्ना कुल जहान दे विच मनुख है, कोई एक भी अजिहा नहीं जिहदे कोल दुख ना होवे। सब तो वड्डा दुख साढ़े कोल विजोग और विछोड़े दा है, अपने असल तो विछड़न दा, अपने तत् तो वखरिया होण दा। बाल इस जहान च आउंदियां रोंदा और कुरलाउंदा है, क्यों? उन ते खुश होना चाहिए कि मैं दुनिया च आ गया। क्यों रोंदा है? वो अपने तत् तो विछड़ना नहीं चाहता, वो अपनी असल तो वखरा नहीं होना चाहता। तो असं उन्होंने फटाफट चुप कराने, चुप कर जा, चुप कर जा, ऐसा चुप कराने कि फिर वो मरण तक चुप किया रहता, फिर बोलता नहीं। असी उन्होंने रोण की आजादी नहीं देते। जिमें ही रोंदा है असी कोई खड़ोना, कोई छनकना वो अगे रखने कि चुप कर जाए। रोना जिंदा होने की अलामत है। रोना दर्द और एहसास के अपने अंदर होने की रमज है। पर असी कहने ले बड़ा कमजोर दिल का रोंदा है। असी रोण नूं भी मेहना बना दिता कि असी जहान च आ गए हाँ और जहान के विच जो असी साडे नाल वापर रही है असी उहदे उत्ते रो भी नहीं सकते। साडे कोल अपने अपने दुख ने, असी उन्हां दुखां ते कल्ले कल्ले ते रो लैने आ, कट्ठे बह के नहीं रोंदे। क्योंकि अगर कट्ठे बह गए और कट्ठे बह के रो लिया ते दिल ते हौले हो जाणगे। जदों दिल हौले हो गए और असी एक दूजे नूं अपना दुख सुना लिया ते फिर ते पता लगेगा कि साडे सब दे दुख ते सांझे ने, ते फिर असी लुको की रहे सां। ते जदों दुख की सांझ हो गई ते इकाई बन गई ते दीवा ते जग पिया, फिर वो दुख साड़ी ताकत बन जाता। यही गुरु नानक कह रहे, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, मैं अपने दुख नू पीड़ के उहदा तेल कट के दीवे च पा दिता। उन चानण ओ सोखिया चूका जम सिउ मेल। मौत दा दुख ते रिहा नहीं हुण, किन्ने मरना है? मरना ते ऐस जाहर वजूद ने में, करनी ते कदी नहीं मरती। सच्ची करनी हमेशा जीउंदी है। उहनू लोड़ नहीं होंदी कि उहनू कोई प्रिजर्व करे, उन्हों लोड़ नहीं होंदी उहदा आर्काइव बना के रखिया जाए, उन्हों लोड़ नहीं होंदी उहदियां सीडीज़ और बैकअप रखिया जाए और डेटा जिहड़ा संभाल संभाल के चार चार
हार्ड ड्राइव दे उत्ते रखिया जाए, वे किते गवाच ना जाए, किधरों डिलीट ना हो जाए। जदों बाबा फरीद, भगत कबीर और गुरु नानक वर्गे होए ने, कि उदों ए सारियां शेवां है सन किवें सांभे गए? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन नाम सांच दे विच लंघाया। जिसने नाम की सांभ कीती, नाम उहदी आप सांभ करता है। ते जिन्ना असी वखरा ना रखने हां, उन्नी छेती जीवन मुक्ता है। किन्ने किन्ने लोग आए, इन्नी इन्नी डिग्रियां, इन्ने इन्ने मैडल और इन्ने इन्ने प्राइजेस, किन्निया असी घरां च कंधा भरिया होंदिया ने। साढ़े सब के घर है वे एक एक दो दो कंधा जिदे उत्ते असी अपने मैडल्स और डिग्रियां और जो जो इनामात लए ने उन्होंने असी तफसीलात लाइया हुई ने अखबारों के टोटे कट कट के कि अपनी तसली ले, अपने आप नूं ए यकीन दवावण लई कि मैं है वहां, मैं मौजूद हाँ, मैनू ए डिग्रियां मिली हुई ने। और फिर असी पढ़ के दसने हैं उत्ते मेरा नाम लिखिया होया, वो की ना होया जिहड़ा दसना पवे कि यह मेरा नाम है। नाम होवे कि जो बेनाम है पर हर नाम दे विच मौजूद है, हर नाम वाले दे अंदर मौजूद है। कोई जानदार है या बेजान है, वो बेनाम हर एक दे अंदर बसता है। ए वे नाम दा जीवन, दीवा मेरा एक नाम, गुरु नानक ने उस नाम दा दीवा बालिया है, उस इकाई दा जिन्हें रोशनी की थी, ना को हिंदू ना को मुसलमान। एदे चो बाहर निकलो, धर्म लड़न लई नहीं है, धर्म प्यार करन लई है। इस जहान विच जिन्ने भी धर्म ने, की उन्हां धर्मां दीआं किताबां आपस दे विच लड़दियां ने? नहीं। किताबां दे उत्ते जिन्हां ने अपनी मालकी बनाई है, वो लड़दे ने, क्योंकि लड़ाई मालकी दी हुंदी है। तुसीं सेवा ते कदे किसे नूं लड़दिआं वेख्या? कोई भी कह दे मैं करनी सी, कहने हाँ चल ठीक है तू कर। हाँ, जिथे असी इश्तहार लाना है, असी नाम जिथे ले आ जाना है, उथे असी कहने हाँ हाँ नहीं नहीं ऐतकी सेवा दा अनाउंस होना है, चलो है मैं करांगा। क्योंकि मकसद सेवा नहीं है, मकसद ते नाम है। हर काम दे पिछे साड़ी नीयत है, साड़ी नीयत ही सानू दसती है कि असी की कर रहे हैं और की नहीं कर रहे और अगू असी की करना है। सो नाम दे बारे गुरबाणी दे विच एक होर तुक आउंदी है, नाओ धियाइए नाओ मंगिए नावे सहज समाए। जीवन च सानू वो मिलता है जो असी मंगने हैं, साड़ी मंग की है। असी डिमांड की कर रहे हैं, मार्केट विच वो चीज़ मिलती है जिदी डिमांड होती है, ते की साड़ी डिमांड इकाई दी है, इलम या सुरत दी है, चानन दी है, सियान दी है, नाम दी, असी जेड़े जेड़े रंग वेखने हैं, की वो साड़ी मंग है? जी वो मंग है, फिर तो असी वो मंगांगे। पर असी आके या अल्लाह या मालिक या रहमान या रहीम वाहे गुरु राम राम कुछ भी कह के असी मंगदे की हाँ? कारोबार, पैसा, औलाद, डिग्री, नाम, कार, कोठी, कार, की सानू नहीं लगता? लगता है। की असी
ए नाओ सिमर के ओ इकाई मंगी कदी जेड़ी इस नाओ दे अंदर है ओ सुरत मंगी ओ चानण मंगिया जेड़ा सारिया नू राह विखाए ते जिन्हां ने मंगिया ओ नामे सहज समाए जिन्हां ने अपना जीवन बेना हो के लंघाया उन्हां दे नावां दे उत्ते भी असी कारोबार शुरू कर दिता है। बाबा फरीद हर चीज छड़ के शोहरत नाम सब छड़ के पिंड उजाड़ थां ते आके डेरा लाया किदे लई उन्हां बेनावियां लई जिन्हां नूं कोई जानदा नहीं और उन्हां बेनावियां दे प्यार ने फरीद नूं जीउंदा रखिया। कबीर जुलाया वो कहिंदे तुसी वेद पुराण पढ़ते हो बहुत इलम है तुहाडे कोल साडे कोल ते करनी है उस करनी दे विचों ही सानू समझ आउंदी है कि जीवन की है। जीवन ताना पेटा है धरती तो आकाश तक ते सजियों खब्बे ते कपड़ा बन जाता है कपड़ा तन कचदा है ऐब ढकदा है। देखिए साढ़े कोल ते यह वाला ज्ञान है। बाबा फरीद के बारे किताब अमीर हसन सिडसी दे कोलों जो सानू मालूमात मिलती है फवायदुल फवाद दे विचों उदे चो लिखते ने कि एक बारी दो आलमा दे विचकार लड़ाई हो गई। आलम तो आन पता जे लड़न ना ते फिर वो आलम तो नहीं ना होते। असल आलम की पछाण है कि वह लड़ेगा जड़ा ना लड़े राम नाल समझ लो आलम नहीं है। दो आलमा दे विचकार लड़ाई हो गई। लड़ाई की वजह एक कहिंदा है आला और वधिया ओ वे जड़ा कदी गलती नहीं करता कदी गुनाह नहीं करता मुत्तकी और परहेजगार है तकवे वाला है। दूजा आलम कहिंदा है नहीं गलती हो जाती है जड़ा गलती करदा है गुनाह करदा है और फिर उदे उत्ते माफ़ी मंगदा है ओ वधिया। हुण दोवे लड़ पए ने फैसला नहीं हो रहा ते जदों दो दे विच झगड़ा हो जाए फैसला त्रीजे ने करना होंदा है। अपने वेले दे किसे पीर पैगंबर कोल चले गए जाके पूछया कि सरकार लड़ाई हो गई ये समझ नहीं आ रही कि ये ठीक है कि मैं ठीक हाँ। उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं वही उड़ीकना रब वालों कुछ आंदा तो तुहानू दसना वा। उंज तुसी ये करो कि रात तुसी दोवे कट्ठे रहो सवेरे जेड़े जेड़ा पहला बंदा तुहानू बस्ती दे अंदर आंदा दिसे उन्हू अपना सवाल पूछियो हो सकता वो जवाब दे देवे। दोनों ने कहा ठीक है रात कढ़ी बड़ी औखी वो रात नहीं उन्हां दी मुकण ते ना आवे। सवेर होई शहरों बाहर बस्तियों बाहर निकले वेखिया दूरों एक बंदा आ रहा सुक्का निमाणा पैरों नंगा नेड़े आया ते वो पुछते ने भाई साढ़े एक सवाल का जवाब दे दे। कहते जी मैं तुहाडे सवाल का जवाब तुसी पढ़े लिखे सियाने लोग हो मेरे कोल कित्थे इलम कि मैं तुहाडे सवाल का जवाब दें। उन्हें कहा नहीं साढ़े पीर पैगंबर ने किया है कि तू जवाब देवेगा तो तू दस। उन्हें कहा जी पुछो पुछन लगे ने तो कहते ने कि तू दस जेड़ा बंदा
कदी जीवन च गुनाह ना करे, माड़ा ना करे, ओ वधिया है। या जेड़ा कोई गलती और गुनाह करके तौबा कर ले ओ वधिया है। वो कहन लगा मैं जुलाई आवां जी ते धागे दा काम करना वा, कपड़ा बनाना, मैनू की पता। हाँ मेरे काम चो मैनू जो समझ है वह मैं दस सकना, बाकी तुहाड़ियां पढ़िया लिखिया दियां तुसी जानो। मैनू ये पता है कि जदों असी कपड़ा उन रहे होने हैं, बना रहे होने हैं, तो किसी थां ते धागा है जिहड़ा वह कमज़ोर होंदा। जिथे कमज़ोर होंदा है जे असी उन्हों उतों त्रोड़ के गंढ मार दईए तो उतों कपड़ा मजबूत हो जाता है। तो जे असी उस कमज़ोर धागे नूं गंढ नहीं मारी तो उवें ही वह कपड़े दे विच चला गया तो उतों कपड़ा छेती छिज जाता है, यानी खराब हो जाता है। उन्हें कहा बाकी तुसी आपे हिसाब ला लो। वो दोवे एक दूजे का मूँह वेखण लग पे कि भई असी किताबां दे विच फसे हुए की कुछ पे सोचने आ, की कुछ पे करने आ, असी केड़े केड़े दलीलां ते बहस नहीं असा कीती। ते आराम दे नाल आया ले दो मिंटां सानू गल दस के वो टुर भी गया। हुण दस असी किताबां पढ़ीए कि इन्हां दी करनी वेखीए। जुलाई नूं नाम दी समझ है क्योंकि वो काम करदा है पिया, वो हाथ नाल काम करके दूजियां दी सेवा करदा है पिया। आलम अगर आपने इलम राही सेवा शुरू कर देवे तो इलम वध जांदा। ते जे उस इलम नूं गंढ मार के अपने अंदर रख लवे तो उहदे लई विस बन जांदा। ओही विस जिहड़ी फरीद कोल है, देख फरीदा जोथिया शक्कर होई विस। साईं बाछो अपने वेदन कहिए किस, सानू जो सांझ दे विच जीवन मिलिया, पांच तत्त दे इकट्ठे होवण ने जीवन बनाया ना, अग वा मिट्टी पानी ते आकाश, इन्हां दी इकाई ने सब नूं इकट्ठा कीता, इन्हां दी इकाई दे विचों ही सब कुछ बनिया। पर ओ इकाई शक्कर होई, शीरो शक्कर होंदा घुल मिल जाना। चूरी खाने असीं ते स्वाद आउंदा ना, रोटी शक्कर ते घ्यो वखरा रख के खाओ ते उहदा स्वाद होर है। ते जिसले उहनां नूं इकट्ठा कर लो, गुन लो, चूरी बना लो ते उहदा स्वाद होर है। ऐसे तरह साढ़े पंज तत् जे वखरे वखरे ने ते उह होर ने, पर जदों उह आपस च रल गए ने ते फिर उहनां दे विचों कुछ बनना शुरू हो गया। नाम उगास करता है, नवी सिरजना करता है, नवा बनाउंदा है। ते अगर असी वो नहीं कर रहे ते फिर की है, वो जो शक्कर कुदरत ने साडे अंदर रखी है वो विस हो जाती है। वो विस पहले साडे अंदर नूं खांदी है ते फिर वह विस असी बाहर वरताने हैं, ते पूरा जहान ही वेसला, हर पासे जहर है, नफरत है, क्रोध है, मुकाबला है, वैर है, हर चीज़ का इको। क्यों? क्योंकि असी उस शक्कर नूं वंडिया नहीं। इसे तरह ना होए, ना वो शक्कर है, मिठास है, प्यार है, इनू वंडांगे ते ये दूजियां नू भी जीवन देवेगा ते सानू भी। ते जे इनू सिर्फ जीभ दे नाल जपांगे
ते जीभ सुक जांदी है, बनदा कुछ नहीं। अगर वंड देंगे करनी राही, खाली अखरां राही नहीं, खाली अखर कुछ नहीं करते। अखर जदों तक करनी ना बनन उदों तक नाम नहीं है। नाम करनी है जदों कुदरत कहती है कि मैनू याद करो, जो दम गाफल सो दम काफल, मुर्शद है पढ़ाया हूँ, सुनिया सुखन गईया खुल रखी, असा चित मौला वल लाया हूँ, कीती जान हवाले रब ते, असा ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरन थी अगे मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। ओ असल मतलब असल टीचा साढ़े जीवन का की है, उस इकाई नू मुड़ के लभना जिस इकाई तो असी वखरे होए हैं। ए जीवन विहार दे विच वपार करन लई नहीं है, ए जीवन विहार दे विच कसरत दे विचों वाहदत नू वेखण, अनेकां दे विचों एक नू वेखण, खुल पूरे दे पूरे खलार पसार दे विचों उस इकाई नू पछाणन है जिहड़ी साढ़े सब दे अंदर सांझी है। साढ़े नां धर्म शकलां रंग जूणा थावां जातां सब फर्क ने, पर वो पांच तत् साढ़े सब दे अंदर इक्को ने। उन्हां च कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो जिस रब वलों आए ने वो एक है, वो दो नहीं है। ते भगत कबीर कहंदे ने कि कबीर माटी के हम पुत्रे मानस रखियो नाऊ, साडा ना मानस रखिए मनुख इंसान बंदा, चार दिवस के पोहणे बड़ बड़ रंधे थाऊ। चार दिन लई असी इन्ना पेंडा करने हैं, इन्नी खेचल करने हैं, जदों के साढ़े सामने जीवन रोज आ भी रहा है तो जा भी रहा है, फिर भी सानू यह समझ नहीं आ रही कि असी कर की रहे हैं। हुन बंदा बंदे दा एक नाम ते असी रख दिता कि वह मानस है, मनुख है, इंसान है, बशर है, बंदा है, काफ़ी है। उदे बाद उदा एक नाम होर रख दिता ताकि असी उन्हों पछाण सकीए, एक दूजे नू असी जानन लई, दूजे नू पछाणन लई, गल करन लई सानू सौख होवे, असी एक दूजे दा नाम लै सकीए। रौला बनिया जदों असी उस पछाण लई रखे नाम नू सियाण बना लिया। बस ए छोटा जिन्ना नुकता है, जे ए सानू समझ आ जांदा है ते सानू नाओ दी समझ आ जांदी। हुण चिड़िया ने सानू अमरीका च दिसे, कैनेडा च दिसे, पाकिस्तान च दिसे, इंडिया च दिसे, वो चिड़ी ही है, उदा फिर कोई वखरा ना नहीं है। या है एक रुख है, उदे ते जिन्ने भी पत्तर ने वो सारे पत्तर ही ने, हर पत्तर दा वखरा ना ते नहीं है। बंदे दा नाम रखिया इसलिए रखिया कि बंदा एक दूजे दे नाल गल करे। चिड़िया किवें एक दूजे नाल गल कर दियां होनगियां, या कीड़िया इको जहियां, इको रंग दियां, इको शकल दियां कठियां रहिंदियां ने धरती दे हेठां पौण बना के, और फिर सारा रिजम 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 कट्ठा करके हेठां जमा करदियां रहिंदियां। जिन्हों जिन्नी लोड़ है उन्हां विचों लै के खा लैंदी है, वक्रा वक्रा घर नहीं बनाउंदियां। चिड़ियां भी इक्को रुख ते रहिंदियां ने।
ये है नाउ चितारण, नाउ सिमरन, नाउ विचारण, नाउ जपण। उन्हां दी करनी, उन्हां दी प्रैक्टिस, उन्हां दा अमल दस रहा है कि वो नाउ जप रहे हैं। असी जीप नाल जप रहे हैं, करनी नाल नहीं। एक होर मिसाल नाउ दी, नामो जीमे, नामो बीजे, नामो जम्मे, नामो मन वसाए। कितों बने आ? जो असी बीजने आ उही उगदा है, या असी अक बीजांगे ते अंब उगेगा? गुलाब बीज के मोतियां नहीं उगना, उही उगना है जो असी बी पाया। ते साडे अंदर ते उन्ने नाओ दा, इकाई दा मिठा बी पाया। असी उन्हों ना वरत के कूड़ कर लिया। ते जिन्ने नाओ बीजिया है, जिन्ने अपने मन की धरत दे विच नाम का बी बीजिया है, उदे चो बूटा भी तो नाओ का ही निकलेगा। सुल्तान बाहू का एक बैत है, अली फल्ला चंबे की बूटी मुरशद मन विच लाई, कि मन दे विच मुरशद ने चंबे की बूटी लाई है। नफी असबात दा पानी मिले उस, हर रगे हर जाई हो। नफी इनकार है, असबात इकरार है। ना और हाँ दा पानी उनू मिलता है, ना और हाँ, इनकार और इकरार, नो यस। हर सा जिहड़ा असी ले रहे हैं ये हाँ है, क्योंकि इनू अंदर लेके जा रहे हैं, हाँ दे विच वरत लिया, हुण बाहर कढ रहे हैं। रद कीता, इनकार। दिल दे विच हर पल हुण जा रहा है, हाँ वापस हो रहा है, ना। सो हाँ और ना दी खेड है जिहड़ी, ये पानी वांग लगती है पई। ते अंदर वो जिहड़ा बी बीजिया सी मुरशद ने चंबे दा, वो फुट पिया। अली फल्ला चंबे दी बूटी मुरशद मन विच लाई हो। नफी असबात दा पानी मिलियोस, हर रगे हर जाई हो। अंदर बूटी मुश्क मचाया, जां फुलां ते आई हो। जीवे मुरशद कामिल बाहू, जै ए बूटी लाई हो। कि ओ मुरशद जिन्हें यह बूटी मेरे मन विच लाई है, जिदे ते हुन चंबा खिड़िया है, और एदी सुगंध, एदी खुशबू चारे पासे खिलर गई है, वो सदा जीवे। हुन ए बूटी नाओ है, ए चंबा नाओ है, क्योंकि जदों ए खिड़दा है ते बड़ी धीमी और बड़ी सोहनी सुगंध इन्ना सुख देंदी है, इंज अंदर लेंदी है कि साह दे विच पता लगता है कि कितों कितों लंघदी है। वो साह सानू याद रहिंदा है जिहड़ा सुगंध वाला सी। नाओ जपण सुगंध मानण है, खुशबू देवण है, खुशबूदार होवण है, क्योंकि नाम विहूणा जीवन है जेड़ा, वो किसी नूं भी वारे नहीं है। असी किसी गंदे मैले नूं मिलना पसंद नहीं करते। ते की साड़ी हस्ती जेड़ी है इस जहान विच नाम विहूणी है,
वह मैली और गंदी नहीं होगी, वह किवें मालिक नू जाके मिलेगी। असी उहदी दित्ती अमानत दे विच किन्नी खयानत कीती। एक शब्द होर देख लईए नाउ दा ते फिर असी सवाल जवाब कर लैने आ। पता नहीं टाइम किन्ना होया, कुछ टाइम डॉक्टर साहब दस दियो। देखो जी, वो असी संगत भी जिस तरह गल की है ना कि सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ये, वेला आप कुछ नहीं है। जदों असी मिलने हाँ तो फिर वेला बनता है। हाँ जी, बस ऐसी एक शब्द होर देख लीए। दुखी दुनी सहेड़िए जाए ता लगे दुख, दुखी दुनी सहेड़िए। पहले असी दुनिया सहेड़ने हाँ ना, किन्ने दुख उठाने, असी नींद कुर्बान करने, आराम छड़ने हाँ, और दिन रात असी ड्यूटियां करने हाँ और दुनिया कमाने हाँ। फिर जदों वो जाती है फिर दुखी होने हाँ। नानक सच्चे नाम बिन किसे ना लथी भुख। हुण नाम जेड़ा है वो इत्थे रज बन गया, ठीक है, किधरे इकाई बन गया, किधरे खुशबू बन गया, किधरे रोशनी बन गया, किधरे करनी बन गया, इत्थे रज बन गया। कि असी जो भी इकट्ठा कर लईए साडा रज नहीं होंदा, पर सच्चा नाम सानू रजा देता है, सानू फुल कर देता है। असी कहने बस अज रज हो गया, फुल हो गए हैं, भरे गए हैं, वो सिर्फ नाम दे नाल है। और सच की है, सच नू भी देखने की लोड़ है, क्योंकि हुण गल सच नाम की हो रही है। सच के बारे पहले भी असी गल की थी। असी अपनी संगत नजम हुसैन सैयद विच जदों गुरबाणी नू पढ़िया ते उदों तक सच नू असी भी यही समझते सां कि सच ट्रुथ सही गल है जो। पर नजम साहब ने अर्थालियां दे विचों, डिक्शनरीज दे विचों मीनिंग कढ़े ते उन्होंने दस्या कि सच दा मतलब ओ हस्ती और ओ होंद है जिहड़ी दान करन पारू वजूद विच आउंदी है, बाकी सब कूड़े। जदों असी दान करने आ, जदों असी देने आ, जदों असी हत्थों वरतौने आ, ते साड़ी एक हस्ती बनती है, वो हस्ती सच है। एक हस्ती सानू मालिक ने दिती है जिदे च उन्हें सानू सब कुछ दिता है, एक वो हस्ती है। हुण जदों साड़ी हस्ती देना शुरू करेगी उहदे दित्ते होए चों, फिर सच होवेगी। ते सच नाम की है? देवन, दान करन। किन्नू? कुल नू, बगैर वंड वितकरे दे, ऐ सोचे बिना किन्नू देना है ते किन्नू नहीं देना, कौन अपना है ते कौन पराया है। जिवें कुदरत देंदी है, जिवें उह सब नू दे रही है, ते असी जीवन दे दित्ते उस मालिक दे सावां नू किहड़े लेखे ला रहे हैं? दुनिया सहेड़न दे दुख उठाने हाँ ते दुनिया सहेड़ने हाँ, और फिर जदों ये हत्थों जान लगती है फिर दुखी होने। दुखी दुनी सहेड़िए जाए ता लगे दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी भुख। रूपी भुख न उतरे जां देखा ता भुख, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख। जिन्ने स्वाद असी माणने ने ना इस शरीर ते, ओने दुख वधने ने, उस तो कटने नहीं ने। रस से जिहड़ा वो स्वाद है, मज़ा, टेस्ट, फ्लेवर, असी फ्लेवर बदलने आ ना,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਟੈਲੀਅਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਸਟੀਮ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਸਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਰਾਮ ਯਾ ਰਾਮ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਤਰ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਨਵੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਔਰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਡਸ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾਓ ਦਾ ਜੋ ਕੋਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁ ਵੇ, ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਿਰਹੂ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੜ ਸਜਨ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਣੇ, ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਸਾਂਝ ਪਾਤ ਕਾਹੂ ਸੋ ਨਾਹੀਂ, ਸਾਜਨ ਖੋਜਣ ਟੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਾ ਲਿੱਤਾ, ਔੜਕ ਨੂੰ ਉਹ ਝੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ 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 ਵੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁ ਵੇ। ਨਾਓ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਈਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਆਣ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਸੇ ਨਾਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਓ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਂਦੀ ਔਰ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਨੇ ਹਾਂ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾ ਲਈਦਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹਾਰ ਹੌਮੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਥਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਉਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਾਂਝੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਰਲ ਖਾਵਣ ਜੀਵਨ ਰਲ ਖਾਵਣ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਿਸ ਲੂਣਾ ਜੀਵਨ ਰਲ ਗਾਵਣ ਜੀਵਨ ਰਲ ਗਾਵਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਕਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਸਾ ਲੂਣਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਰਿਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਂਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਸ ਨਾਉਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 10-10 ਖਾਣੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਸੁਖੀ ਸਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਨਾਉਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਗਏ ਵਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਓਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵਨ ਰਲ ਗਾਵਣ ਹੈ ਗਾਵਣ ਕੋਈ ਤਬਲੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਗਾਵਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਉਂ ਦਾ ਸੁਰ ਉਹ ਸੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਬਲੇਬਾਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਝਪਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਰੁਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਾਅ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਈਏ ਉਹਦੀ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈਏ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਰਾਹੀਂ ਪੈ ਜਾਈਏ
तो बहुत शुक्रिया। टाइम है नहीं, इसी सामने डॉक्टर साहब ने क्या कड़ी खलो गई है लंबी गल हुई हुई तो दिली माजरत, क्योंकि गल अजे बहुत हो सकती है, लेकिन बुजुर्ग बैठे ने, वो फिर इन्नी देर बैठ नहीं सकते। असी सवाल कर सकने हाँ जी। हाँ जी, पछाण तो बड़ी सीधी जी गल है कि असी जो सामने नज़र आ रहे हैं असी कहने हैं कि ए बंदे की पछाण। जिस तरह फरीद कहता है कि काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दरवेश। हुण वह काले कपड़े और काला वेस है जिहड़ा उते वेखण वाले नूं नज़र आ रहा, वह कह रहा है दरवेश है, ये पछाण है। पर सियाण की है कि फरीद नूं पता है कि मेरे अंदर की है, मैं तो पता नहीं किन्ना गुनाहगार हाँ, तो लोग तो मेरे जाहर नूं वेख रहे हैं। सो एक साड़ी जाहर हस्ती है, वह पछाण है जिहड़ी कि असी अखां नाल पछाणने आ, एक दूजे नूं वेखने आ। फिर जदों उस पछाण नूं असी अंदर तक जाण लैने आ, तो फिर असी उहनूं सियाण लैने आ। सो थोड़ा जिहा फर्क है जी। आम देख सकते हो साडे रिलीजन विच भी है कि जी आसमान ने जड़े वो सत ने, एक आसमान ओहदे उपर, दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे तरह सत जमीना ने जिहड़ियां पाताल तक जांदियां ने। तो यह सारा कुछ असी अगर ए तक पहुँचना चाहते हाँ तो सानू पहले अपने दिल तक पहुँचना है, क्योंकि बाकी सब तो बहुत खलार है। उदे तक पहुँचने लिए पता नहीं साढ़े को इन्ना जीवन है कि नहीं है, पर अंदर जो साढ़े कोल मौजूद है उदे तक असी पहुँचने का जतन अगर कर लीए तो शायद उत्थे भी पहुँच जाइए। सो वो ने 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हूँ कि रब ने जो सत जमीना और सत आसमान और कुल कायनात बनाई है वो बंदे दे दिल दे अंदर है। ये साढ़े इस्लाम विच है वे कि रब कहता है कि सारी दुनिया दे विच, पूरे जहान दे विच वो कितने नहीं समा सकता, उदा इन्ना खलार और पसार है। कुल जमीना, कुल पहाड़, कुल दरिया, कुल फिजावा, कुल हवावा, कितने वो समाई नहीं हो सकती, लेकिन जो वो समा सकता है तो बंदे दे दिल विच, ते जो दिल च समाया है जे असी उन्हूं जान लिया तो वो बनाए 14 तबक भी पछाण लांगे। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, पर एट द सेम टाइम लेकिन जवाब साहब से देखिए 14 की गल की है, लोग 14 के बिके ये जा उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया गया है जी, जेडे कोई चीज मिलता है लोग 14 के बिके जा पर ही जा। देखो जी गिनत गल हुई है जड़ी डॉक्टर साहब ने पहले की थी ना, पहचान और सियाण की, ए जो गिनत है ना ये सिर्फ पहचान लिए है, एवें काउंट करन लिए कि असी गल कर सकिए। गल करन लई सानू कोई ना कोई तो चीज़ चाहिए है ना, जिदे राही असी गल समझनी है। सो गिणत एक पछाण दा राह है, जदों सानू पछाण दे राह ते असी पै गए, सियाण हो गई, तो फिर गिणत तो उंज ही बंदा बारा हो जाता है। असी नमाज़ां उदों तक गिण के पढ़ने आ जदों तक असी नमाज़ असली नहीं पढ़ते, जदों सही पढ़नी शुरू कर देने आ ना फिर गिणत तो याद ही नहीं रहती, फिर नमाज़ा पांच नहीं रहिंदियां, फिर हर वेले सिर सजदे विच ही होंदा है, क्योंकि सजदा जाहर का नहीं होंदा, सजदा अंदर का होंदा है जी। जी वो चीज़ गुरु नानक बाबा फरीद जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब के उठ फड़ी दा उजू सा सुबह निवाज जाने गुजार
ਜੋਸੇ ਸਾਈਨ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੋਰਸੇ ਕੱਪ ਤਾ ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਮਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਧ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਈ ਕਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਂਝੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮਲ ਮਾਰ ਲੜਦਾ ਹੈ ਮਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੀ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਵਣ ਲੱਗੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਆਪ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧੀ ਆਪ ਖਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਠੁਕਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਓਏ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਜੇ ਹੈ ਛੱਡੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਜਾਣਾ ਬਣਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ
सो गल बेशक लोक रीत विच आई सही है या गलत है, लेकिन एक गल उन्हां दा समझाण दा मकसद सी कि मेरे कोल आए ने मैनू उन्हां पुछिया है, मैं नहीं उन्हां नू कुछ भी किया, क्योंकि असी पूरे इंसान ही नहीं हाँ। तो मुसलमान होना तो एक दर्जा है, असी पहले बंदे तो बन जाइए फिर किसी धर्म नू भी अपना लवांगे, असी तो अजे बंदे ही नहीं बने, क्योंकि धर्म किसी बंदे का होंदा है, असी पहले बंदे बन जाइए, असी इंसान बन जाइए, असी अपने मनुख होण नू ते पछाण लईए, फिर धर्म नू भी अपनावांगे और फिर धर्म नू अपना के कहांगे कि हाँ असी ए वां। अजे तो असी ये कहण की पोजिशन विच ही नहीं, असी सिर्फ कलमा पढ़ने हाँ, पांच नमाजा पढ़ के या साल च एक बार ज़कात दे के या महीने के रोज़े रख के असी यह ऐलान कर दिए कि असी मुसलमान हाँ। वो मालिक तो जानता है ना कि असी की हाँ। सो लड़ाई धर्मां दी है, तो धर्म की भी तां लड़ाई है जे वो मलवाना दे कोल है, पोजेशन और ओनरशिप विच है जी। One day, you know, I would like to become a professor as well. My Dayaji was a professor at Patiala University in Punjab. Wow. And he's my main motivational factor to continue to pursue further educational studies. Currently, I'm a school psychologist at Gunderson High School in the South San Jose. And I don't want to involve like politics in our talk today, but I do support Cindy Chavez for mayor. I am helping her campaign. Sorry, main English gal kar rahi haan, it's easier to explain in English. Kyunki jab English bolde haan, Punjabi bhi mainu aundi hai, piche madhya wale vajde haan, Gurdaspur de haan, Ranzi ke meera sada pind hai, mera baba nanak lage. Te I just wanted to one of your recommendation, what do you recommend, because I will be still working full time when I start my PhD program, and in addition to, you know, supporting our mayor, hopefully she wins on Tuesday. ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਬਿਨ ਥਰੂ ਇਟ ਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੰਡਰਫੁਲ ਵੂਮਨ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਇੰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਅਦਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਅਦਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਈਮੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ? Really pit science against religion or with the ethics. Being a scientist, I think we need to combine the both. हाँ जी, नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ए जे ना कि जिस तरह साडे इस वक्त पंजाब के हालात ने ना, असी उन्होंने हवाले नाल गल कर रहे हैं कि पंजाबी साडे कोल जिहड़ा पाकिस्तान दे विच इस वक्त है वे, क्योंकि इहदे नाल कोई रोज़गार नहीं जुड़िया होया, तो वो घट बच्चे ने जड़े वो इनू पढ़न की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिंदगी गुजारनी है, रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, तो बच्चे साइंस नू, कॉमर्स नू, वकालत नू, इंजीनियरिंग नू, इन्हां सारियां वल जाते हैं, तो पंजाबी साहित वल सिर्फ वो बच्चे आते हैं जिन्हां कोल होर करन लई कुछ नहीं आता। यानी कोई एक होएगा जिहड़ा बहुत ही अंदरों सुचा होवे और कहे कि मैं अदब पढ़ना है और फिर मैं इनू अपनाना है और मैं इहदे च काम करना है, ते ओ साड़ी लिए एक किरण ही है वे कि एक रोशनी आई है कि अच्छा कोई नवा बच्चा। बाकी साइंस लिटरेचर भी एक तरह की साइंस है, ठीक है, चीज़ा ने जिहड़ियां वह मिक्स हो के की बनांदियां ने, की करदियां ने, साइंस इन्हां नूं वक्रे वक्रे ना देंदी है। असी तो पिछे संगत विच तुहानूं सीधा जिहा दस्सिया है कि जदों मीह पैंदा है तो वह मिट्टी च रलदा है तो एक सुगंध आउंदी है, वह वसरां दे, वह खुशबू है, मिट्टी बी नू अपने अंदर रखती है, बी हनेरे दे विच अपने आप नू पकौंदा है,
बीं दे दो हिस्से होंदे ने, उस दुई दे विच्चों बूटा एक निकलता है। जदों तक वो बीं अपनी दुई नहीं मुकांदा, उहदे चों बूटा नहीं निकल सकता। पहले वो हनेरे दे विच रह के तपस्या करता है, अपने आप नूं जोड़दा है मिट्टी दे नाल, और अपने आप नूं मुकाण दे बारे अपनी मैं दा इनकार करता है, अपनी हस्ती नूं खत्म करता है, ते फिर उहदे विचों बूटा पुंगरदा है, ते उहदे बाद उहदे उत्ते इन्ना वड्डा रुख बन जांदा है। रुख दे उपर बेअंत पत्तर, बेअंत फुल, बेअंत फल, और उहनां दे विच अणगिनत बीं, पर वह जिहड़ा एक बीं सी वह चेते नहीं रहिंदा, वह ना होए, बस असी उहदे तों वक्खरे हो जांदे हां। असी वर्ण कर लैंदे हां साइंस की, मेडिकल की, अदब की, नफसियात की, फलसफे की, इन्हां सारिआं दा भी अंत इक्को ही है। जिहड़ा बुल्ले शाह कोल है, अलिफ अल्ला रत्ता दिल मेरा, बे दी खबर ना काई। अलिफ अल्ला रत्ता दिल मेरा, बे दी खबर ना काई। बेपढ़िया कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलफ दी आई। ऐन ते गैन दा फर्क ना जाना, गल अलफ समझाई। बुलिया कौल अलिफ दे पूरे, जिहड़े दिल दी करन सफाई। ते अलिफ दा जिहड़ा मुढ है वह नुकता है, नुकते तो ही अलिफ है, और अलिफ तो ही पूरा अल्फाबैट है, और फिर इस अल्फाबैट के उत्ते असी सारे इलम अदब खिलार लैने। बस असी वह नुकता पिछला भुल जाते हैं जी। गल कीती कि रब ने सब कुछ बनाया, रब ने दरख्त बनाए, हवा बनाई, पानी बनाया, उन्होंने अपना अपना गुण दिता उन्हें, ठीक है, दरख्त का जो काम है वह कर रहा है। तो असी यह क्यों सोचते हैं कि सानू रब ने जिस तरह बनाया असी उन्हों आप चेंज किया, असी जो सानू रब ने गुण देना चाहिया असी उन्हों छड़ दिता। जे रब ना चाहता कि मैं ये गुण ना छड़ा, वो जुड़े रहता नाम दे नाल जुड़े रहन दा, एक इकाई दा, ते ओ नहीं छुटना सी रहे, ते रब ने पंगा पाया ना सानू, राइट। सो इहदे तों किवें साडा छुटकारा हो, किवें इहनूं असी ओहदी होणी नूं असी किवें बदलीए, अपनी कोशिश नाल बदल सकदे हां, असी जुड़ सकदे हां, दूई तों एक हो सकदे हां, फिर असी दोबारा अपनी किस कोशिश नाल। बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। कल भी असी किधरे गल कर रहे सां, ते इही गल थोड़ी बहुत होई सी कि जदों वो सब कुछ आप करता है तो फिर साढ़े ते क्यों है। बुल्ले शाह इहदा एक जवाब दिता है, वो कहिंदे ने कि रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई, रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई, सदो मैनू तीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। रांझा मैं विच, मैं रांझे विच, गैर ख्याल न कोई। मैं नहीं वो आप है, अपनी आप करे दिल जोई। ठीक है, हुण तुसी कह रहे हो कि असी जो कर रहे हैं वो असी आप कर, आप नहीं कर रहे हो, साढ़े को करवा रहा है। की किसे धर्म की किताब के विच, किसी भी धर्म की किताब के विच लिखिया है कि दूसरे नू मारो? नहीं। किसी नू कतल करो, किसी नाल जुलम और ज्यादती करो, किसी नू लुट के खा जाओ, या तुसी अपने मुनाफे लई दूजे नू नुकसान पहुँचाओ, कितने भी नहीं लिखिया। जीवन रल खावण, रल गावण। जदों असी खावण वखरा करने आ ना, तो फिर गावण भी वखरा हो जाता, फिर साड़ी सुर लय भी वखरी हो जाती है। हुण एक बच्चा सारा साल पढ़ता नहीं है, तो उहदे बाद कहिंदा कि मैं फेल क्यों हो गया,
ते देश कसूर उस्ताद दा ते नहीं है, उस्ताद ने ते पढ़ाया, जिन्होंने पढ़िया वो पास हो गए। कोई उस्ताद भी यह नहीं चाहता कि उसकी क्लास के 10 बच्चे पास हो ते 10 फेल हो जाए, वो चाहता है 20 दे 20 पास हो, और वो 20 दे 20 नू इको ही चीज़ पढ़ा रहा होंदा है। 10 पढ़ लेंदे ने, 10 नहीं पढ़ते। तो हुण असी किस तरह ये फैसला कर सकते हैं कि रब चाहता सी वो 10 पढ़न ते रब चाहता सी 10 ना पढ़न? की इंज हो सकता है कि एक माँ ये चाहे कि उदी औलाद दे विचों दो बच्चे ने जिहड़े वो तो बहुत खुशहाल होण ते दो बच्चे ने जिहड़े माड़े होण? माँ नहीं चाहती। एवें रब चाहता है कि असी सब रल वसीए, रल खावीए, रल गावीए। जो असी कर रहे हाँ, जिहड़े विच असी फस गए हाँ, उहदे विच साडा अपना हिस्सा है, साडी अपनी करनी है, साड़ी अपनी सोच है। असी जेड़े पासे सोचांगे रब उस लई साडे बूहे खोलदा जाएगा। फिर असी एक बूहे चों दूजा, दूजे चों तीजा, तीजे चों चौथा, अणगिनत, फिर एंड तक असी उस लाइन ते टुरने आ जेड़ी जेड़ी लाइन असी खुद बनाई है। और रब ने साडे लई नहीं बनाई, रब ने सानू इल्म दिता ना, वो सिखाया। और इल्म दी बुनियाद उत्ते असी फैसला करना है कि की मैनू ए वाला घंटा इत्थे बैठ के कोई गलबात समझनी है, या मैनू ए घंटा मार्केट जा के शॉपिंग करनी है, या मैनू ए घंटा दफ्तर बह के काम करके कोई दो घंटे ते डॉलर कमाने ने? ए चॉइस साड़ी अपनी है। हुण एदे विचों असी जो भी करांगे रब उहदे साडी मदद करेगा। फैसला साडा अपना है क्योंकि उहने सानू इल्म दिता है कि असी फैसला खुद कर सकीए। रुखां नू उहने इको काम दे दिता है कि बस तुसी ए करना है और ए उगाना है। ते मियां मुहम्मद बख्श लिखते ने कि माली दा काम पानी देना पर पर मशकां लावे, मालक दा काम फल फुल लाना लावे या ना लावे। सो साडा अपना हिस्सा ही इहदे विच। इह जो बहसां ने ना तकदीर और तदबीर दियां, असीं इह करने आ, रब इह चाहुंदा है, इह सब साडियां बणाईआं होईआं ने क्योंकि असीं कुछ करना नहीं चाहुंदे। असीं हुण इह तय कर लईए कि बई असीं इह सफ़र करना है, सबब बणनगे। पर अगर असीं इह तय ही नहीं कीता, एक लतीफा है कि एक बंदा बैठा होया कि उह दुआ मंगी जा रिहा सी कि या अल्लाह पाक मेरा ना बस वो जड़ा लॉटरी टिकट है ना ऐतकी निकल आवे, या अल्लाह मेरा लॉटरी टिकट निकल आवे, मेरा इन्ने करोड़ का इनाम निकल आवे। तो किसी ने पूछा कि भाई तू टिकट खरीदे आ? नहीं। सो सब कुछ एफर्ट्स असी करांगे तो फिर है ना, ता ही तो असी इंसान हाँ कि साढ़े को चॉइस है। जे असी भांडा सीधा रखे तो ओ पानी आके इकट्ठा हो जाएगा, तो जे असी पुठा रखे तो पानी जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। कोई होर सवाल हो वरना फिर असी इजाजत लीए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, वेरी एनलाइटनिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग टू मेक अवर लाइफ बेटर। आई डोंट हैव वर्ड्स टू रियली थैंक यू डॉक्टर साहब। लकी दैट यू आर हियर टुडे। आई वुड हैव लाइक फॉर डॉक्टर इंद्रमोहन सिंह जी टू से सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स। Maybe we can wait here a little. I'd like him to conclude the. Anybody else has comments? नहीं, बस बहुत अच्छा लगा जी तुहानू सुन के कि पाकिस्तान तो आके सानू इन्नी इनफॉर्मेशन दिती है, ते और पंजाबी की तुहाड़ी महारत बड़ी इंप्रेसिव लगी सानू। ते मैं सिर्फ ये पूछना चाहता सी कि पंजाब दे विच
स्कूलों के पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती फिर भी तुम इस लैवल पर पहुँच गए दिस इज़ वेरी एडमायरेबल तो वो कुछ हो रहा है स्कूलों के कहते इस वे तो प्रोहिबिटेड है ना पंजाबी पढ़ाने वो कुछ फर्क पै रहा है क्योंकि नहीं तो हो सकता होर बच्चे भी अगे आन पंजाबी पढ़न या इट इज़ वेरी सो यू नो हार्टनिंग के तुहाडे लैवल दे उत्ते बंदे पहुँच चुके ने विदाउट द होल स्कूल मिसिंग ऑफ द लैंग्वेज हाँ जी स्कूलों में तो अजे नहीं शुरू हुई पंजाबी लेकिन है कि कॉलेज लैवल तो है वे साडे क्योंकि घर में पंजाबी बोली जाती सी बोली का भी मसला है ना कि ये असी अंग्रेजी उर्दू बोल के तो दसना चाहते हाँ कि असी जरा होर क्लास के लोग हाँ तो साढ़े घर क्योंकि क्लास का मसला नहीं सी कोई साड़ी माड़ी जी छोटी जी फैमिली है माँ स्कूल पढ़ाती सी तो वालिद साहब ने जड़े वो भी नौकरी करते सन तो बिल्कुल सिंपल सादी जी साड़ी जिंदगी है तो उहदे विच कोई वो नहीं सी कि बहुत विखावे वाला एक जड़ा कल्चर घरां विच होंदा है तो इसलिए पंजाबी पढ़न दे उत्ते कोई ऑब्जेक्शन नहीं सी क्योंकि घरां विच भी बोलते सन साडे नानी ने जड़े वो असी छोटिया आंदियां उन्हां तों शुरू तों सुणदे सां उन्हां नूं मियाँ मुहम्मद बख्श और सुल्तान बाहू ये जुबानी याद सन तो वो हर वेले पढ़ते रहते सन तू उड़ जा भोलिया पंछिया जी हाँ जी तो माँ जी मिले ने अज उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल लाहौर याद आ गया हाँ जी तो वो पढ़ने होंगे सन कि तू उड़ जा भोलिया पंछिया तू अपनी जान बचा इतने घर घर थाइया लगियाँ तेनू मूल ना लैंड फसा तो वह बड़ा एक फैसीनेटिंग होंदा सी कि वह पता नहीं किस तरह का यह परिंदा जिहड़ा बेचारा फस गया है हुण देखो ना असीं बच्चियां नूं जो कार्टून राही इलम दे रहे हैं उहदे विच ते जिहड़ा ये एक घर दे विच नानी दादी फुफी वड्डी उम्र दी मौजूद है जो वो गा के बच्चे नूं सुना रही है उहदे विच किन्ना फर्क है सानूं हमेशा उस पंछी की तलाश रही असीं लभदे रहे हाए पता नहीं वह किहड़ा है रोज़ असीं उहनां नूं सौंदी वारी कहना वो फिर उहदा की बणिया तो उन्होंने फिर तू चल मैं तेन फिर तू सुनानी उन्होंने फिर गा गा के सुनाना तू उड़ जा भोलिया पंछिया तू अपनी जान बचा इतने कर कर फाइया लगिया तेनू मूल ना लैन फसा तो वो वड्डिया होके समझ आई कि वह तो सानू ही समझा रहे सन सो ये देखो ना कि तू अपना ध्यान रखी ऐना हो तू फस जाए किधरे हर कदम ते फाई लगी हुई है और जीवन आप एक भाई है ते असी एक नज़म नजम साहब की सुना दईए सारे बैठे हुए ने ते दुखिया ते सब संसार है सुखिया किवें हुण होवे दुखिया ते सब संसार है सुखिया किवें हुण होवे बाबे ते दस्या है ये बाबा नानक दा हवाला है दुखिया ते सब संसार है सुखिया किवें हुण होवे बाबे ते दस्या है मुठ खोल दियो बाबे ते दस्या है मुठ खोल दियो असां ये गल्लां सुनदे करेंदे आए हाँ असां ये गल्लां सुनदे करेंदे आए हाँ इन्हां ते लिख मजमून पढ़ेंदे छाप किताबां हटियां तरेंदे आए हाँ असां ये गल्लां सुनदे करेंदे आए हाँ इन्हां ते लिख मजमून पढ़ेंदे छाप किताबां हटियां तरेंदे आए हाँ ऐ पर ख्वाब ख्याल भी होवे ऐ पर ख्वाब ख्याल भी होवे मुठ घुट रखने हाँ क्यों मुठ घुट रखने हाँ क्यों पता जो होया खुल मुठ गई ते मैं कुट गई यो मैं दा कुठन है जेड़ा वो सानू बारे नहीं है क्योंकि वो ते फिर सानू सब दे नाल रला देगा ते मुठ कुटन असल दे विच लुकाउण है असी अपना आप लुकाउंदे हां अगर असी सच हाँ ते सानू कुछ लुकाउण दी लोड़ नहीं कूड़ा
फिर लुकावांगे ताकि किसी नूं साडा असल पता ना लग जाए। और फिर उस सारा लुकाया होया है जेड़ा उहदी सांभ सहेड़ विच असी नाउ विसार दिंदे। ये लोक रीत विचों जिहड़ी कहानी आई तुसीं सुनी होएगी कि बाबा नानक और भाई मरदाना जा रहे सन ते किधरे कोई हेठां डिगी हुई शै भाई मरदाने ने वेखी लिशकती तो चुक ले हाथ विच फड़ ले। जदों हाथ विच कुछ फड़ांगे तो हाथ बंद ही होएगा। थोड़ा अगे गए तो आखन लगे बाबा जी मैनू डर लगता। तो बाबे नानक ने आख्या कि जो हाथ विच फड़िया ही सुट दे मुठ खोल दे डर नहीं लगेगा। सो असी अपने नाम अपनियां डिग्रियां अपनियां हस्तियां अपने सोशल स्टेटस अपना वखावा उस सारा असी मुठां च घुटिया होया है। हाथ खुलेगा तो किसी नूं मिलेगा ना, हाथ खुलेगा तो किसी नूं आसरा देवेगा, हाथ खुलेगा तो किसी का हाथ फड़ेगा, फिर ही मेल होवेगा। तो जिन्ना मेल होवेगा उन्नी नाउ दी सियाण होवेगी। सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ये। सो यही वेला ही मिलन दा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंद्र मोहन जी डॉक्टर गुरिंदर पाल जी और तुहाडा सब दा कि तुसी इन्ना टाइम कढ़ के सुने आए। Thank you so much, Asma ji. This has been a wonderful talk, and I loved all the examples you gave, all the quotations from the different great people. But one of the things I really appreciated was your Punjabi, because it reminds me of my grandparents and the Punjabi they used to call. I didn't love to use karane hoti, aaj kal se kitne sunne hain aur kuch sunne hain lessons sare. So that just been delightful. Thank you again so much. Yeah, after listening to you, I'm very motivated to learn Shahmukhi so that I can connect with all the Punjabi poets. क्योंकि असि यूनिवर्सिटी गए हाँ उत्थे भी गल हुई है। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि असि यह कायदा बनाया सी कि तुसी इहदे नाल सोच लिमिटेड कर रहे हो। बहुत सारे सवाल ने जिहड़े कि बच्चा पंजाबी दे बारे करना चाहता है, लेकिन क्योंकि ग्रंथ साहब धर्म की किताब है फिर वह चुप कर जाता। जो असी उन्होंने पंजाबी के दूजे शायर पढ़ावे ना उन्होंने बारे वो ओपन क्वेश्चन करेगा। उस ओपन क्वेश्चन और खुली जी गलबात है वो गुरबाणी की भी सारी समझ बने। तो ये जरूर आर करो कि इतने तुम शाहमुखी का रखो ताकि बच्चे सीखन और सीखे। तो उन्होंने जिस तरह ये बच्चे हम कह रहे हैं कि इन्होंने अगू पढ़ना है तो इन्होंने कि जरूरी है कि इन्हों पूरे अदब के उत्ते नज़र जाए पर जाएगी जो ये स्क्रिप्ट पढ़ सकेंगे।